विराजमान सारयां नूं बेनती अपना अपना मोबाइल बंद कर लैन। मंच ते विराजमान आदरणीय मेरे वड्डे भाई सरदार परमजीत सिंह जी जिहड़े कि इस मंच के प्रधान ने, उन्हां दे नाल चेयरमैन राकेश गुप्ता जी, आदरणीय श्री बहादुर सिंह चड्ढा जी, जसवीर बग्गा जी, सरवन कुमार शर्मा जी, गुलाटी जी, गुरमीत सिंह गौलक जी, निर्दी जी, ते आए हुए मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जन जागृति मंच पिछले 28 सालों तो निरंतर पंजाब केसरी जगबाणी के सहयोग के नाल एक कार्यक्रम शहीदों के शहीदी दिहाड़े, शहीदों के जन्म दिहाड़े असी मनाने हां, ता कि जिहड़ी आने वाली साड़ी जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है वह किते क्रांतिकारी वीरां दीआं कुरबानियां दे बारे किते भुल ना जावे, इस करके समागम कराने हां। इस मीटिंग दे बारे, इस समागम बारे मैं जदों आदरणीय श्री अविनाश चोपड़ा जी नूं दस्या कि असी इस कार्यक्रम 13 तरीक नूं तिरंगा यात्रा कढ रहे हां और 15 अगस्त का समागम करा रहे हाँ, मैं ऋणी हाँ इस परिवार का। तो इन्होंने हमेशा आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी ने, मेरे भाई अविनाश चोपड़ा जी ने हमेशा इस मंच का तो सहयोग किया ही किया। उन्होंने उसी वेले बुलाया कि कृष्ण लाल जी की मीटिंग इत्थे बुलाई जाए और सारा प्रबंध किया जाए। जोरदार ताड़ियां उस परिवार के नाम। ऐसे काम, ऐसे उपराले कौन लोग करते ने जिन्हों मातृभूमि देश नाल प्यार होवे। जन जागृति मंच के सारे कार्यकर्ता उन्हां दे ऋणी है। साथियों, जड़ा कि 13 तारीख न एक कार्यक्रम लम्मा पिंड चौंक, शहीद आजम उधम सिंह जी का चौंक, उत्थों चल के पूरा लम्मा पिंड क्षेत्र शाम नूं 5 बजे जिन्ने साथी इत्थे आए ने सारे संकल्प लेके जाना, घट्टो घट 1000 नौजवान नारे गूंजणगे गली गली, शहीद आजम भगत सिंह तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोके दे नारे गूंजणगे, क्रांतिकारी वीरां दी सोच ते पैरा देंगे ठोके नारे गूंजणगे। लम्मा पिंड क्षेत्र पृथ्वी नगर किशनपुरा काजी मंडी तो होंदे होया, टल महल तो होंदे होया, शहीद आजम भगत सिंह चौंक तक तिरंगा यात्रा दे विच शहीद आजम भगत सिंह दे परिवारिक सदस्य, शहीद आजम उधम सिंह जी दे परिवारिक सदस्य, चंद्रशेखर आजाद जी दे परिवारिक सदस्य इस तिरंगा यात्रा च रहणगे। मेरे नौजवानों, तुहानू बेनती करना चाहना कि इस तिरंगा यात्रा जिहड़ा रस्ते च रूट पैंदा है उन्हां क्रांतिकारी वीरां दे उत्ते जड़े आ रहे ने पुष्प वर्षा लाइव देख रहे ने मेरे नौजवान साथी, बारिश हो रही है कुछ साथी नहीं आ सके कि उस दिन ये जकारे उन्हां ताकतां तक जाने चाहते ने जड़ियां ताकतां शहीद आजम भगत सिंह नूं आतंकवादी कहंदियां ने। जन जागृति मंच का मानना है कि जिन्हां नूं शहीद आजम भगत सिंह नाल प्यार नहीं, जिन्हां नूं करतार सिंह सराभा जी नाल प्यार नहीं, जिन्हां नूं उधम सिंह नाल प्यार नहीं, उन्हां नूं भारत देश च रहण दा भी कोई अधिकार नहीं होना चाहिदा। शहीद आजम भगत सिंह दी इमानत, शहीद आजम उधम सिंह दी इमानत, राजगुरु सुखदेव जी दी इमानत, उन्हां दी इमानत जिहड़ा लोग खयानत करनगे उन्हां नूं भारत देश रहण दा कोई अधिकार नहीं होना चाहिदा। शहीद आजम भगत सिंह ने जदों देश की आजादी की लड़ाई लड़ी सी उन्होंने कभी नारा नहीं लाया, मैं पंजाब ले लड़ाई लड़ रहा, मैं हिमाचल ले लड़ाई लड़ रहा, मैं जम्मू ले लड़ाई लड़ रहा, कोई नारा लाते सी कि भारत माता की जय। शहीद आजम भगत सिंह के सपन का भारत, भारत देश का नौजवान बना लगा होया है। ये ताकत ने
जड़ियां ताकतां हिंदुस्तान नूं जाति भाषा प्रांतवाद के आधार से बंडना चाहुंदियां ने। मेरे देश के नौजवानों आओ आपां आजादी के 75 वरे अमृत महोत्सव असी मनाउण जा रहे हाँ। 15 अगस्त का दिहाड़ा असी मनाउण जा रहे हाँ। इस आजादी के दिहाड़े से असी संकल्प लेना है, पूरे भारत देश के नौजवानों ने अपने घर घर तिरंगा लहराना है और संकल्प इस गल का लेना है जिहड़ियां ताकतां इस देश नूं तोड़ना चाहुंदियां ने। मेरे देश के नौजवानों के भगत सिंह हुण नहीं आने, क्यों नहीं आने? अज भगत सिंह नूं आतंकवादी कह जाण ते देश का नौजवान, अज मैं लखां संस्थावां देखदा जिहड़े शहीद आजम भगत सिंह दे कार्यक्रम करदे ने, वो क्यों नहीं पार्लीमेंट के बाहर खड़े हो गए जदों सिमरनजीत सिंह मान जदों देश की लोकसभा के अंदर चले गया? भगत सिंह की इमानत देश की लोकसभा देश की राज्यसभा उन्हें बैठन का कोई अधिकार नहीं है, दसो हैगा अधिकार? ऐसे व्यक्ति नूं देश की लोकसभा बैठन का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इस करके इस सुनाम की धरती शहीद आजम उधम सिंह की धरती तो मेरे नौजवानों लाइव सुनते होने हैं, जदों भी उधम सिंह की धरती से आवे उत्थे उदा कहराव होना चाहिए जिहड़ा उधम सिंह नाल प्यार करते हैं। मेरे उधम सिंह परिवारिक सदस्य नाल भी गल हुई, भगत सिंह के परिवारिक सदस्य नाल भी गल हुई कि केड़ा बयान दे रहा है, वो कहिंदे असीं देख रहे हाँ ये की हो रहा। इस करके देश के नौजवानों मेरे वीरों के जागते रहना, वीर जवानों वो कसम तुहानू अवतारा दी कितने चोट ना लग जाए माता दे सीने ते, इना कुर्सी भगत गद्दारा दी चंद स्वार्थी लोग पैसे दी खातर बिकाऊ लोग अपने अपने स्वार्थ दी खातर इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इस करके उन्हां ताकतों को अलर्ट होना पैना, उन्होंने सहयोग करना पैना जिहड़े भारत देश नूं बचाउणा चाहुंदे ने, जिहड़े पंजाब नूं बचाउणा चाहुंदे ने। उन्हां लोकां दा सहयोग असी करांगे तां ही शहीद आजम भगत सिंह दा उधम सिंह दा करतार सराबे दा सपना कि जिहड़ा भारत देश साडा सोने दी चिड़िया कहांदा सी उह तां ही बणेगा। इस करके अज जिहड़े भी किसी भी पार्टी दे होण, किसी भी राजनीति पार्टी दे व्यक्ति होण जिहड़े कि देश दे शहीदां दे खिलाफ बोलन, उन्हां दे खिलाफ खड़े होना ही शहीदां नूं सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे साथियो 13 तरीक का तुहानू प्रोग्राम दसदा, 15 अगस्त का दिहाड़ा हर साल की तरह श्री गुरु रविदास रोड किशनपुरा क्षेत्र के अंदर असी मनाउण जा रहे हैं। उहदे विच चंद्रशेखर आज़ाद महाराणा प्रताप जी के परिवारिक सदस्य शाम को 5 बजे गली गली चों भारत माता की जय दे जयकारे गूंजणगे, क्योंकि असी 28 साल तो निरंतर इस करके कार्यक्रम करते हाँ। कोई राजनीति पार्टी दी गल्लां नहीं हुंदियां, उत्थे गल्लां यही करते हाँ असी देश नूं बचाना किद्दां है, इस प्रदेश नूं बचाना किद्दां है। तुसीं बग्गा जी मेरे भाई होर भी बैठे ने, मैं कदी किसी नूं ये नहीं पुछया कि तू किस पार्टी का व्यक्ति है, कदी नहीं पुछया तू कित्थों आया है, कदी वोट की गल नहीं कीती। ये कीती है जिहड़े नौजवान किसी भी राजनीति पार्टी के हो जिहड़े राष्ट्र के हित च कम करते ने उन्हां दा हमेशा समर्थन किया। 10-15 साल पहला जदों पंजाब के अंदर भी सरकार सी, जलंधर के DC साहब ने एक कांग्रेस के नेता का उन्हों कहिंदे चलो बाहर, मैं कहा DC साहब ये शहीद आजम भगत सिंह की इमानत है, तुहाडे को किसी पार्टी का कांग्रेस अकाली दल आप किसी पार्टी का व्यक्ति भी आवे जिहड़े राष्ट्र के हित च कम करते हैं तुहाडे को कोई अधिकार नहीं। एक कुर्सी शहीद आजम भगत सिंह की है, ना कि किसी राजनीति दल की है। चंगे नौजवान आन किसी भी पार्टी के आन, इस देश नूं बचाण वाले आन, भगत सिंह का सपनिया का भारत बनाने वाले आन, असी उन्हां दा हमेशा समर्थन करते रहे हाँ और हमेशा उन्हां दा समर्थन करांगे। नौजवानों 15 अगस्त नूं और 13 अगस्त का कार्यक्रम इस नूं सफल बनाने वास्ते तुहाडे सहयोग की जरूरत है। और तुसी 13 तारीख नूं 4:45 बजे जिन्हें मेरे साथी बैठे ने अपने नाल 50-50 मोटरसाइकिल
लिया का संकल्प लेना है ताकि संदेश जावे देश के नौजवानों के बिच उन्हां ताकतों तक जावे जिहड़ियां ताकतां सोचदियां खरे भगत सिंह का उधम सिंह का खून खते खत्म हो गया। अज मैं लाइव कई जिलों जो देख रहा सी उत्थे बहुत जोरदार प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ इस पंजाब के अंदर नहीं बाहरलियां स्टेटां च भी हो रहे हैं। इस करके अपनी अपनी संस्था वालों एक डीसी साहब नूं मंग पत्र दिता जावे देश के प्रधानमंत्री जी के नाम कि उसनों भगत सिंह की इमानत देश की लोग सभा बैठन का सिमरनजीत सिंह मान नूं कोई अधिकार नहीं हैगा। देश दुनिया की हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बैल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसी ये वीडियो Facebook ते देख रहे हो तो इसनूं लाइक जरूर करो और ज्यादा तो ज्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।